अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज के मेरी वीडियो है ईद कलेक्शन पे। जी हाँ, मेंस ईद कलेक्शन पे मैंने वीडियो बनाई है और इसमें जो है बच्चों, बड़ों और सबके जो है ईद के डिफरेंट डिज़ाइन सिखाए हैं कि किस तरह आप ईद पे जो है एक नई लुक अपने आप को दे सकते हैं। देखिए जी, बॉयज़ के लिए, मेंस के लिए और तमाम बच्चों के हर एज के लिए जो है, क्या ज़्यादातर यही होता है कि ईद पे सबका होता है, खुसूसन जो ईद उल फितर पे सबको होता है शलवार कमीज़ पहने बॉयज़। तो उस हिसाब से जो है मैंने वीडियो बनाई है ताकि इसमें डिफरेंट डिज़ाइन दिखाई जा सके कि शलवार कमीज़ में भी कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है। तमाम कलर्स को कवर किया है, करने की बल्कि कोशिश की है कि हर कलर जो है वो आ सके, ताकि एक आइडिया हो जाता है कि अगर इस कलर का सूट है तो सिलवाएंगे इस डिज़ाइन में तो कैसा लगेगा, पहने हुए कैसा लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो है उन सब के लिए जो ईद पे जो है इस दफ़ा शलवार कमीज़ बनाने जा रहे हैं। यकीनन ईद उल फितर जो है खुशियों का मौका होता है और हर कोई चाहता है कि अपने प्यारों से मिलें। छोटी ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपके कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हों, तो आप सबसे अच्छे लग रहे हों और आपको जो है वो कलर सूट कर रहा हो। तो यकीनन जो है वो बड़ी ईद की नस्बत जो है छोटी ईद की तैयारियाँ ज़्यादा की जाती हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का एक बाबरकत महीना, उसमें सब मुसलमान रोज़ा रखते हैं, उसके बाद जो है ईद आती है तो सब खुश होते हैं। एक बहुत ही ईद को, ईद उल फितर को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान हैं। तो यकीनन आपको अपने ईद के सूट के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन और कलर मिल गया होगा कि कौन सा कलर पहने तो सबसे बेस्ट लगेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी मज़ीद वीडियोस देखें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।